Sonali Kulkarni hosted a special Ganpati residence at her residence in Khar, Mumbai, where she spoke about how important this festival is for her and family since years. सबसे important बात ये है कि मैं कभी मेरी मूर्ति का विसर्जन नहीं करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये जो भी परंपरा या हमारे आचार विचार हैं वो हमने तय किए हैं। हम में से कोई भी गणेश जी को मिला नहीं है ये पूछने के लिए कि गणेश जी आपको क्या अच्छा लगता है। मुझे लगता है इस साल का गणपति उत्सव मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि पोस्टर बॉयज रिलीज हो रही है गणेश फेस्टिवल के तुरंत बाद और बहुत दिनों बाद मेरी हिंदी फिल्म आ रही है। आपने सिंघम देखी होगी इसके पहले, जो 100 crores वाली जो गैंग थी उनमें से पहली फिल्म थी वो, तो बड़ा अच्छा लगा था बीइंग अ पार्ट ऑफ सिंघम। और अब पोस्टर बॉयज रिलीज हो रही है जिसमें मैं सनी पाजी के वाइफ का रोल कर रही हूँ, जिसमें बॉबी भी है, श्रेयस भी है। श्रेयस ने खुद डायरेक्ट की है ये फिल्म और आई मस्ट से श्रेयस ने बहुत अच्छा काम किया है। उसने एक्ट्रेस को भी बहुत खूबसूरत तरीके से समझाया था। फिल्म का जॉनर ये कॉमेडी है और बहुत ही फैमिली एंटरटेनर है हम कह सकते हैं। और सनी पाजी की और मेरी जोड़ी बहुत ही खास है क्योंकि सनी पाजी का कैरेक्टर मज़ेदार है। वो हमेशा अपने सेलफोन में लगे रहते हैं, हमेशा सेल्फीज लेते रहते हैं। फिल्म में आप बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स देखोगे जहाँ पे आप हंस पड़ोगे कि ये हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे हैं। सोनाली शेयर्ड वार्म मेमोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड एंड व्हाई गणपति बप्पा इज वर्शिप। मैं पूना से हूँ तो गणेश उत्सव पूना में बहुत ही स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट होता था। मैं जिस सोसाइटी में रहती थी वहाँ पे बहुत सारे नाटक होते थे, डांस होते थे, म्यूजिक, तो इट वॉज एक्चुअली अ कल्चरल एक्सचेंज जहाँ पे बड़ों से काफ़ी कुछ सीखना मिलता था। काफ़ी सारी आरतियाँ सीखी मैंने, कॉफ़ी कैसे बनानी होती है 50 लोगों के लिए ये मैंने गणेश उत्सव में सीखा था। कॉम्पिटिशन्स होते थे बच्चों के लिए और मुझे लगता है मेरे लिए गणेश फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा पहला ऑडियंस मुझे गणेश फेस्टिवल में मिला है जो कि मेरे सोसाइटी के लोग थे और उन्होंने काफ़ी हौसला बढ़ाया था। हमेशा ये आके बोला था, पीठ थपथपाई थी और बोला था कि तुम अच्छा काम करती हो, तुमने हमें कितना हंसाया, तुमने हमें कितना रुलाया। तो ये जो हौसला था वो मैं कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि ये मेरे पहले ऑडियंस थे। तो मुझे लगता है कि हमेशा ज़िंदगी भर उनको याद रखूंगी क्योंकि अगर कुछ सीखा है तो मैंने मेरे गणेश फेस्टिवल के दिनों में सीखा है जब मैं छोटी थी। She looked traditional in her sari and shared her blessings as well as happiness that Bappa has brought into her life.